नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। मंडला राहुल गांधी विचार मंच जिला अध्यक्ष मंडला कपिल चौक ने जन्मदिन के अवसर पर अपनी निजी आवास से 2 मील दूर ग्राम ठिकरिया में वृक्षारोपण किया और अपने सभी साथियों से अपील किया है कि अपने जन्मदिन को सफल बनाने के लिए एक पौधारोपण अवश्य करें, क्योंकि वर्तमान समय में जिस प्रकार की माहौल ऑक्सीजन को लेकर हुआ था वह हम सबके समक्ष था और हम सब ने इस दुख को सहन किया है। किसी ने अपनी बहन खोई है तो किसी ने अपने भाई खोया है ऑक्सीजन की कमी के कारण, पर अब हम सब चाहते हैं और राहुल गांधी ने भी कहा है कि अब अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं। इसको लेकर मैंने अपने जन्मदिन के अवसर पर आज 10 पौधे रोपण किए हैं और वे पौधों को बड़े करने तक अपनी पूरी जिम्मेदारी ली है और कहा है कि आप सभी को भी जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण करना चाहिए। मौके पर धनी परस्ते, सूरज सोनी, बेनीलाल, दुर्गेश उइके, जितेंद्र कुलस्ते आदि मौजूद रहे। अभी जो ऑक्सीजन की कमी रही है देश में, इसी के चक्कर में वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि हमने जो माहौल देखा है कोरोना काल में कि लोग सिलेंडर ले लेके ऑक्सीजन ले रहे हैं, और इसी चक्कर में वृक्षारोपण करिए और अपने आप को सुरक्षित करिए और देश को सुरक्षित बनाइए। आप राहुल गांधी विचार मंच के मंडला जिला अध्यक्ष हैं, आपने अपने जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण किया है, आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने समर्थकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी लोग यदि जीवन को सुरक्षित करना चाहते हैं तो वृक्षारोपण जरूर करें और अपने हर शुभ अवसर पर वृक्षारोपण करें, जिससे धरती प्रदूषण ना हो और धरती स्वर्ग बने, क्योंकि वृक्षारोपण करने से ही धरती स्वर्ग बनेगी और जिससे हमारी जिंदगी जन्नत बनेगी, इसलिए वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैंने अपने जन्मदिन के अवसर पर 10 पौधे रोपण किया है, जिससे सब जगह हरियाली रहे और जगह सुरक्षित रहे। R9 भारत के लिए काशीराम वरकड़े की रिपोर्ट। बीजाडांडी विकास खंड में चल रहे शासकीय भूमि और भवनों अवैध निर्माण कार्य को लेकर जैस ब्लॉक संगठन बीजाडांडी ने जिला कलेक्टर मंडला और निवास विधायक आदरणीय अशोक मर्सकोले को सौंपा ज्ञापन में जिक्र किया कि ब्लॉक के अंतर्गत जितनी विश्वास की भूमि है और शासन के द्वारा बनाए गए पुराने निर्माण है, उन पर क्षेत्रीय लोगों और अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है। इस संबंध को लेकर संगठन के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द निराकरण करने के लिए निवेदन किया और विधायक ने जल्द निराकरण का आश्वासन दिया। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष टेकाम ने कहा कि अवैध निर्माण जल्द बंद ना होने पर जैस संगठन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। मौके पर रहे मौजूद जैस जिला अध्यक्ष रतन बरकड़े जी, जैस ब्लॉक अध्यक्ष बीजाडांडी झान सिंह टेकाम जी, जैस संगठन मंत्री सोमनाथ मरावी जी, जैस ब्लॉक प्रवक्ता प्रमोद बरकड़े, नीरज कुजाम सलाहकार मंत्री आशीष बरकड़े आदि सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज आपने जो ज्ञापन दिया है वो किस कारण दिया और किस किस अधिकारियों को दिया? आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो बीजाडांडी विकास खंड जहाँ पे कुछ शासकीय जगह है, कुछ भवन है जिसपे अतिक्रमण बहुत जोर जोर से चल रहा है और कुछ जगह पे कब्जा कर लिया गया है और कुछ जगह में करने वाले हैं, तो इसी माध्यम से हमने SDM शहाब और निवास विधानसभा विधायक डॉक्टर अशोक मस्कोले जी को, माननीय कलेक्टर महोदय जी को हमने विज्ञापन दिया है कि जल्द जो अतिक्रमण चल रहा है विजांड विकास खंड में, अगर रोक नहीं लगाते हैं, इस पर कार्रवाई नहीं होती, तो हम जैस संगठन युग आंदोलन के लिए तैयार हो जाएंगे। ये आपका नाम क्या है? जाम सिंह तेकाम, जैस ब्लॉक अध्यक्ष बीजाडांडी। R9 भारत के लिए आशीराम वरकड़े की रिपोर्ट। जनपद पंचायत नारायणगंज के मुख्यालय में स्थित कन्या हायर सेकेंडरी विद्यालय और 100 मीटर छात्रावास ग्राम पंचायत पटरिया में स्थित है, जहां पर धीरे धीरे शिक्षा विभाग अपने बच्चों की कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए साल आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, परंतु वर्तमान में बरसात लगने के कारण विद्यालय पहुंचने से पहले 100 मीटर के रास्ते में पैर रखने तक के बच्चों को भारी दिक्कत हो रही, क्योंकि बरसात के समय में टीचर से लेकर पूरा स्टाफ की भारी समस्या बनी हुई। संबंध में जब मुख्यालय के अधिकारियों से संपर्क साधा गया तो उन्होंने जल्दी सुधार कार्य करवाने के लिए बोले। हायर सेकेंडरी विद्यालय की से इस संबंध में उन्होंने कहा कि इस संबंध में हमने विभाग को सूचित कर दिया है, जो भी आदेश आते हैं उस हिसाब से काम करेंगे। नारायणगंज क्षेत्र के एक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक क्षेत्र में आपकी बहुत अच्छी भूमिका है। वर्तमान में जिस प्रकार की यहाँ बच्चों को आवागमन में और यहाँ 100 सीटर छात्रावास भी है, हायर सेकेंडरी बालिका छात्र स्कूल भी है, बहुत दिक्कत हो रही है, इस संबंध में क्या कहनी है? बस मैं यहीं कुछ काम साथ हुआ था स्कूल में, तो यहाँ पे आके देखा कि कुछ लड़कियाँ जो बड़ी मुश्किल से, एक तो स्कूल खुले हुए हैं कोरोना के सारे सिस्टम के बाद, तो यहाँ पे देखा बच्चों को आने में बड़ी परेशानी हो गई है, तो सभी लोगों ने, हमारे जितने भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं और सारे सामाजिक कार्यकर्ता हों, उन सभी के द्वारा मेरी चर्चा के दौरान हमने निर्णय निकाला है
और ये देखा है कि प्रशासन इस सड़क के ऊपर कभी भी किसी प्रकार के ऊपर से ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले भी बार मैडम लोगों ने बहुत सारा सब कुछ किया, वो देखिए सारी चीज़ें इस तरीके से फैली हुई हैं। बस यही प्रयास रहेगा कि सारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा और सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा कि समय रहते इन परेशानियों से निजात पाया जा सके, जिससे लड़कियां सही तरीके से अपने स्कूल के ऊपर जाए स्कूल तक पहुंच सकें और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। नहीं तो वो पहुंचेंगी गिर जाएंगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक सर परिचय, सिद्धार्थ तिवारी नारायणगंज सामाजिक कार्यकर्ता। R9 भारत के लिए। विभिन्न मांगी को लेकर छिंदवाड़ा झुग्गी झोपड़ी के निवासी ने आज नगर निगम छिंदवाड़ा में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। टोला के झुग्गी झोपड़ी के निवासी आज यहां नगम आयुक्त के पास आए, हिमांशु सिंह जी के पास। बिजली पानी की समस्या है और रोड सड़क की समस्या है, इनका आने जाने के लिए असुविधा हो रही है, पीने के पानी की सुविधा हो रही है, गंदा पानी पिया जा रहा है और अंधेरे में रह रहे हैं। आज बरसात में सांप बिच्छू छोटे छोटे बच्चे देखिएगा, इनके पास सांप बिच्छू काट के चले जा रहे हैं। ऐसे में ये नगर निगम प्रशासन होश में नहीं आया है। आज हमने उसको होश में जगाने के लिए हमारी निगम अध्यक्ष उषा राउत और जिला अध्यक्ष सपना वर्मा और हमारी जो वार्ड अध्यक्ष राजकुमारी अहिरवाड़ के साथ हमने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया है। आयुक्त महोदय साहब को क्या आश्वासन मिला? आश्वासन दिया हमने 3 दिन के अंदर हम तुम्हारी पूरी समस्या का निराकरण कर देंगे, नहीं तो झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ सड़कों पे आएगा और नगर निगम का घेराव करेगा। R9 भारत के लिए मोहम्मद अल्ताफ की रिपोर्ट छिंदवाड़ा से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।